हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं अवध विश्वविद्यालय बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एज वेल एज एमएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बैक पेपर के बारे में। बैक पेपर कब भरा जाएगा, आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, पैसे कितने लगते हैं और कितने सब्जेक्ट्स में आप बैक पेपर भर सकते हैं, इसकी सामान्य जानकारी मेरे अनुभव के आधार पर इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। बैक पेपर अवध विश्वविद्यालय में दो तरीके से भरे जाते हैं। पहला, एक जब आपका रेगुलर रिजल्ट आता है, जैसे इस बार आया था नवंबर में, तो उसके बाद आपका जो बैक पेपर भरा जाता है वो एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट पेपर होता है, जिसमें आप मैक्सिमम किसी एक सब्जेक्ट में भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक विषय में नंबर कम आया हो या फिर किसी कारण आप परीक्षा नहीं दे पाए हैं, तो आप मैक्सिमम किसी एक नंबर में आप उसको बैक पेपर भर सकते हैं, जो कि रिजल्ट रेगुलर के आने के बाद फॉर्म भराया जाता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट आया था वो दिसंबर में आया था और बैक पेपर मार्च के महीने में भरा गया था, मतलब 2 से 2.5 महीने के बाद। तो इस बार कब भरा जाएगा डेट तो मैं नहीं बता सकता, हाँ मगर विश्वविद्यालय की तरफ से थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी जो तुरंत आपका बैक पेपर भरा जाएगा, इसमें आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक ही विषय में आप बैक पेपर भर सकते हैं, अपना नंबर इम्प्रूव करा सकते हैं। दूसरा बैक पेपर भरा जाता है सितंबर और अगस्त और सितंबर के महीने में, जब आपका रेगुलर एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है उसके बाद। उसमें आप कंप्लीट, अगर कोई बच्चा पूरी तरह फेल हो गया हो वो बच्चे भर सकते हैं, जिसके सारे सब्जेक्ट छूट गए हों या फिर फेल हो गया हो या अटेंड नहीं कर पाए तो वो बच्चे भर सकते हैं, जिसमें सारे बैक पेपर दे सकते हैं, मतलब आप जाके पूरा एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये हो गई दूसरा बैक पेपर की बात। और इसमें जो एक पेपर में भरा जाता है, पिछले साल उसके 700 रुपये फ़ीस लगे थे, इस बार का मुझे अंदाज़ा नहीं कितना फ़ीस लगेगा, लेकिन आप पिछली बार एक पेपर के इम्प्रूवमेंट के लिए 700 रुपये लगे थे। ठीक, अब बात करते हैं दूसरी की। अगर मान लीजिए बैक पेपर में पहले से कम नंबर आ जाए तो फिर क्या करेंगे? तो देखिए, जब आप इम्प्रूवमेंट पेपर या बैक पेपर भरते हैं तो अगर आपके मार्क्स इम्प्रूव होते हैं, मतलब पहले से ज़्यादा आएगा, तो वो अपडेट होगा, और पहले से ज़्यादा नहीं आएगा तो पहले वाला ही आपके मार्कशीट पर रहेगा। तीसरी बात बच्चों ये है कि जब आप बैक पेपर देते हैं तो ये सबका एक ही जगह सेंटर होता है, क्योंकि एक ही पेपर होता है और वो सेंटर कहाँ होता है? कैंपस के अंदर। ठीक है, कैंपस के अंदर ही पेपर होगा और वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। चौथी बात दोस्तों कि जब आप बैक पेपर देते हैं तो आपका जो रेगुलर रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलता, वो यूनिवर्सिटी की तरफ वापस चला जाता है, आपकी कॉलेज की तरफ से आपको एक नया मार्कशीट मिलता है जिस पर लिखा जाता है कि आफ्टर बैक पेपर या बैक पेपर के बाद। तो एक नया मार्कशीट आपको इशू होता है जिसमें आपका नया वाला अंक उसमें ऐड होके आता है। तो इस प्रकार से टोटल बैक पेपर की जानकारी होती है। अब सवाल ये आता है कि आपको बैक पेपर भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। अब मान लीजिए आपके एवरेज मार्क्स हैं 50 या 55 और किसी एक पेपर में 45 या 48 है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। देखिए, फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर आप 14 नंबर एक्स्ट्रा पाते हैं तो आपके 2% बढ़ते हैं। ठीक है, 14 नंबर एक्स्ट्रा, तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे का ऑलरेडी 45 है, अगर वो मेहनत करता है 14 नंबर और बढ़ जाता है 2% के लिए, तो उसका ऑलमोस्ट 59 या 60 के आसपास हो जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं होता 60 गेन करना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की। हाँ, अगर किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा कम है, लाइक 40 से कम है और वो इम्प्रूवमेंट पेपर देना चाहता है तो वो दे सकता है। मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका परसेंटेज 70+ तो सबका ही होगा, इतना मुश्किल नहीं है, जैसे 75 एबव है आपका, लाइक 77-78, तो इतना ज़्यादा आपको बैक पेपर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अलावा आप अपने सीटेट में मेहनत कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर किसी का 70 से कम है, लाइक 38-35 या 30 के अप्रॉक्स में नंबर है, तो आप किसी एक बैक पेपर एक सब्जेक्ट का भर सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा परेशान नहीं है। 70 एबव है तो ठीक है ना, अच्छा परसेंटेज है, कोई बुरा नहीं है। उस मेहनत को अगर आप सीटेट में कर ले तो एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे, आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ले, जैसे KBS आया, आगे कभी ना कभी KBS फिर से आ रहा है, तो आप एक बार तैयारी कर सकते हैं आप किसी एग्ज़ाम्स को लेके, इतना बैक पेपर के लिए परेशान हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये थे ओवरऑल बैक पेपर के बारे में। बाकी अगर कुछ और क्वेरी होती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस पर फिर से वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो ये हो गई दोस्तों बैक पेपर की बात। बाकी अब रेगुलर क्लासेस आपके स्टार्ट किए जाएंगे बीएड फर्स्ट ईयर का और बीएड सेकंड ईयर का,
मैं पर्सनली सेकेंड ईयर वालों बच्चों से यही कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सीटेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रही बात कॉलेज के एग्जाम्स की, तो वो हम देख लेंगे यार, वो तो लास्ट में भी देख लेंगे। बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चे, आपको सीटेट का और भी मौका मिलेगा। वैसे भी जो बच्चे इस बार फर्स्ट ईयर में, ऐसा नहीं है कि सीटेट के बाद से उनको जॉब लग जानी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आप कॉलेज के भी चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि कॉलेज का अगर कोर्स एक बार आपने स्ट्रांगली बेस तैयार कर लिया ना, तो आगे आप सीटेट देखेंगे कि वही सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ईयर में जो इस बार के बच्चे हैं, वो थोड़ा सा कॉलेज के ऊपर ध्यान दें, और सीटेट को दोनों साथ में लेके चल सकते हैं। बाकी जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, वो सीटेट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रही बात कॉलेज की, तो वो अपन देख लेंगे, उसमें घबराने की बात नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जो भी मुझे समझ आती है, मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर आपको बताया जाएगा। बाकी हाँ, एक और बात है कि स्पेशल वो बच्चे जो कि बैक पेपर का प्लान बना रहे हैं, वो थोड़ा सा कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं कि आपके नंबर कितने हैं और आप बैक पेपर देना चाहते हैं या नहीं देते, तो कमेंट में बताइए, ताकि देखा जाए कि हाँ कौन कौन से बच्चे बैक पेपर देने के लिए जा रहे हैं। और अब डेट तो अभी आई नहीं है, जैसे ही डेट आता है आपको बताया जाएगा। बैक पेपर का फॉर्म कैसे भरना है वो भी आपको बताया जाएगा। और डेफिनेटली इस बार जब बैक पेपर होगा, तो जिस कैंपस पे होगा, हम भी मिल सकते हैं वहाँ पे। मैं भी आऊँगा आपके लिए, आपसे मिलने। तो ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जुड़ें। अवध विश्वविद्यालय से काफ़ी अच्छा लगाव है अपना, और हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे और साथ में पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, सब बखैर, बाय बाय।